दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों तमिल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, ANM 9212 नियुक्ति पत्र मामले पर। दोस्त आप सभी को पता है, अगर हम बात करें ANM 9212 जो नियुक्ति पत्र का मामला है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है। प्रत्येक ANM बहनों के मन में यह जरूर विचार उठ रहा है कि आखिरकार नियुक्ति पत्र हम लोगों का कब वितरित होगा। आप सभी को पता है, एक बार गुपचुप तरीके से नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जैसे ही सरकार को भनक लगी, तत्काल जो है ANM का जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह चल रहा था, सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तब से कुछ लोगों को मिल भी गया है और जिन्हें मिला है उन्हें जो है कार्यभार ग्रहण करने से पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। तो आज कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है ANM नियुक्ति पत्र के संदर्भ में, देख पा रहे हैं लिखा गया है ब्रेकिंग न्यूज, शासन से मिली अनुमति, 26 मार्च को जो है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। बिल्कुल इसमें कितनी सच्चाई है अगर देखा जाए, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको यह सूचनाएं प्रोवाइड की जा रही हैं कि 26 मार्च को आपका जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है वो किया जाना तय हुआ है। लेकिन इससे पहले 26 मार्च से पहले 20 तारीख को फाइनल कोर्ट में सुनवाई है EWS और प्रोविजनल वाले मैटर पर। नीचे यहाँ देखिए EWS व प्रोविजनल का मामला और यहाँ कोर्ट केस का पूरा मामला क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपके बीच में चर्चा करते हैं, हमने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था 16 तारीख को जो है आयोग चलो अभियान के रूप में। अगर देखा जाए बहुत सारी जगहों पर आपको ये सूचनाएँ प्रोवाइड की गई, 16 तारीख को जो है एक शांतपूर्ण माहौल से हमें आयोग चलना है और वहाँ पर सचिव जी को ये ज्ञापन सौंपना है कि हमारा जो नियुक्ति पत्र है वो कब वितरित किया जाए। लेकिन आप सभी के द्वारा इस चीज का विरोध किया गया, जिस वजह से अब ये जो 16 तारीख की बातें कही जा रही हैं, ये भैया अब आप सभी के द्वारा कही गई, फिलहाल के लिए अब इसके सहमति में हम खुद नहीं हैं। ठीक है, अब जो भी आपका मामला है, जो भी अपडेट्स निकल कर आएगी उस चीज़ को इस चैनल के माध्यम से देंगे। लेकिन कोई चीज़ अगर आप ये कहिए कि आप ऐसा कर दीजिए हम लोगों के लिए, तो वो मेरी बस की बात नहीं है। ठीक है, हमने आपको वहाँ लाठी और डंडा चलाने के लिए नहीं कहा था। ठीक है ना, आपको बिल्कुल शांतपूर्ण ढंग से आयोग चलना था और माननीय सचिव जी को वहाँ पर एक ज्ञापन सौंपना था कि सर एकदम शांतपूर्ण माहौल से कि सर हमें जो नियुक्ति पत्र का मामला है वो जल्द से जल्द इसका जो भी प्रोसेस है आप पूरा करवाइए। ठीक है, बस और चीज़ें आपको कुछ नहीं करना था। लेकिन रही बात आपकी, आपके द्वारा जो चीज़ें कही गई, फिलहाल के लिए उस चीज़ से सहमत हम भी हैं, आप करें या ना करें उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक काम आपको करना पड़ेगा, जहाँ भी किसी भी जो है सांसद विधायक या किसी भी नेता का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर जितनी भी ANM बहनें हैं वो शांतपूर्ण ढंग से वहाँ पहुँचें और जो ज्ञापन आपको सौंप जो लगातार आप ज्ञापन का सौंपना आपका जारी है, इस मुहिम को आप जरूर आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, यहाँ शासन से मिली अनुमति, बिल्कुल इनकी अनुमति का इंतजार है। अच्छा, जो 26 मार्च की बातें आपसे कही जा रही हैं, देखिए साफ तौर पर हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो है अगर 20 तारीख का जो मामला है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाता है, वैसे ये संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि 20 तारीख का जो मामला हमारा लगा है ANM के संदर्भ में वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। अगर 20 तारीख का जो मामला है वो फाइनल हो जाता है तो जाहिर सी बात है 26 मार्च आपके लिए वह दिन दूर नहीं है जिस दिन आप जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का, वो आपके बीच में होने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। यहाँ EWS व प्रोविजनल वाले, देखिए हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आप EWS के तहत आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। आप सभी को, चाहे आप EWS के तहत आ रहे हो चाहे प्रोविजनल के तहत आ रहे हो, ठीक है, आपको जो नियुक्ति पत्र मिलना है वो थोड़ा सा विलंब में मिलेगा, बट आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, हाँ विलंब में मिलेगा लेकिन आपको भी दुरुस्त मिलेगा, फ्रेश की अपेक्षा थोड़ा सा आपको विलंब में रखा जाएगा क्योंकि मामला आपका पेंडिंग चल रहा है। जैसे ही कोर्ट का फाइनल जो है आदेश आता है, तत्काल आपका भी जो नियुक्ति पत्र का वितरण का मामला है वो पूरी तरह से कराया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। हमें इंतजार करना है 20 तारीख को, 20 तारीख से पहले पहले जहां भी नियुक्ति जो है ज्ञापन आप सौंप पाएं किसी भी जो है बड़े उच्च अधिकारी को, ठीक है, तो आप यह ज्ञापन सौंपने का जो मुहिम है ये अनवरत आप जारी रखिएगा। ठीक है, और मैं विनम्र निवेदन आप सभी बहनों से करना चाहूँगा
कि जहाँ भी ज्ञापन समारोह का ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो आप भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचें, ताकि हम सभी की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट्स। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, जो 16 तारीख का जो धरना प्रदर्शन था, धरना क्या था, शांतपूर्ण माहौल से हमें जो है ज्ञापन सौंपना था, वो चीज़ें अब स्थगित कर दी गई हैं। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, आपकी जैसी मनसा रही उसी हिसाब से किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कहा हमारा जो फ्रेश सबका काम अच्छा खासा चल रहा है, हम धरना देकर किसी की नज़र में नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल आप मत गिरिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम तो अकेले कर नहीं पाएंगे, ये साफ है। अगर आप सभी आते तो हम लोग शांतपूर्ण ढंग से, ऐसा नहीं था वहाँ, हमने बार बार आपसे कहा लाठी और डंडा नहीं चलाना था। बहरहाल आप इन सभी चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।